क्षमा दया का त्याग मनोबल सबका लिया सहारा पर कर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा क्षमा शोक की उस भुजन को जिसके पास गरज हो उसको क्या जो दंत गीत रहित गीत सरल हो तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अब मैं ये प्यारे प्यारे उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से उठी अधीर धरक पौरुष की आग राम के शर से सिंधु दे रह त्राह त्राह करता आ गया शर चरण पूज दास सागर में बधा मोर बधने में सच पूछो तो शर में भी बसती है हिंद विनय की संधि वचन सब पुच्छ उसी का जिसमें शक्ति विजय की मैं फिर खड़ा हुआ फिर उसके बाद मैंने एक रीडल सुना रीडल पता है ना पटेलिया तो पहले मैंने तैयार हो जाओ बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं सबकी एक
जो है वो हमारी तरफ एक एक्सपेक्टेशन से भरी हुई होती है कि शायद सर कुछ बताएंगे, शायद सर कुछ समझाएंगे या हमें बताएंगे. सो वी कैन नॉट लीव दैट एक्सपेक्टेशन. ठीक है. दूसरा, आपका जो पढ़ने की और समझने की जो इच्छा होती है वो भी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं थकते. बैठ जाओ बच्चा आराम से, खड़े मत हो, मैं सोने वाला नहीं हूँ. यू कैन सी मी, एवरीबॉडी फ्रॉम क्लास कैन यू सी मी? लिसन टू मी. पहला फर्स्ट एग्जांपल आई गेव यू अबाउट द पोस्चर, राइट? सो एवरीवन at your home, at your friends, relatives, they are very fond of using any electronic gadget, either it is desktop, laptop, tablet, phone. So I am going to give you a demo how to see, how to use. I am not complaining you should not use, right? As of you and your standard, you should not use mobile phones, and you should not keep your mobile phones near to you, in your pocket, near to your pillow. Never, never. This is very dangerous for small kids up to 7th standard. That is the reason only we have called you. अब मैं ये बात शुरू में बताता तो आप गुस्सा हो जाते. अभी मैंने आपको बहुत सारा एंटरटेन कर दिया, अभी आप गुस्सा नहीं होंगे. अभी आप मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, ये जितने काम की चीज है उतना ही नुकसान भी हमारे साथ हो सकता है. एवरीवन नोस एंड मेनी पेरेंट्स नो बट दे डोंट केयर. दे डोंट केयर व्हाई? अरे सर क्या है, बोल दो. ये बच्चा लेटा ऐसे लेट के और हम ऐसे फोन देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर स्पाइन, योर नेक, योर शोल्डर्स, योर हेड एंड योर मेमोरी पावर. आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दो से ज्यादा घंटे मोबाइल पे गेम खेला है? रेज योर हैंड. प्लीज डोंट से एनीथिंग. आई सेड, मेरी बात को ध्यान से सुनो और बोलना नहीं है. यू शुड नॉट बी. जब नॉलेज लेने स्कूल में आते हो आपको पता चलेगा, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग. ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोबाइल फोन की. कभी भी मोबाइल फोन जो है, आप छोटे बच्चे हैं, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमको इसको पॉकेट में डाल के रखना पड़ता है. अदरवाइज इसको पॉकेट में डालना भी एडवाइजेबल नहीं है, राइट? किसी भी साइड के बैग में आपको कैरी करके रखना है, ठीक है? दूसरी बात, कभी भी मोबाइल जब भी आप यूज करते हैं इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. डे आवर्स में आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप जब घर में बैठे हो तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए. वो लाइट के सामने आपको उसको फोन को देखना है. ऐसा नहीं कि लाइट बंद कर दिया और फिर आप मोबाइल देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड? यस. दूसरा है कि मोबाइल का जो पोस्चर है, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए. आप कभी भी सोफा पे या चेयर पे बैठते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं सोफा पे, पूरा पसर जाता है ऐसे और ऐसे बैठते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग. You should not bend yourself in such a way. ये फोटो मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ऐसे सो के ही देखना है, ठीक है? सो उससे क्या है कि आपका ये हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा. ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात, लेकिन इसका पूरा रेडिएशन का एंगल आपके फेस पे
भी नहीं आना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए ताकि फोन से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो आपके ऊपर से निकल रहे हैं या फिर नीचे से निकल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। वेरी डेंजरस फॉर योर आईज एंड योर ब्रेन। दूसरा, सेम डिस्टेंस, हैव ए सेम डिस्टेंस। वो सारे लोग जो हमारी एज के हैं, आपके पापा मम्मी की एज के हैं, उनको क्या लगता है, चश्मा ये लगता है, रीडिंग ग्लासेस। अब वो क्या रीडिंग ग्लास बढ़ा रहा है, इधर फोन पे मैसेज आ गया, अब वो क्या करते हैं मैं बताता हूं, ऐसे मैं भी ऐसे कभी करता हूं ना, तो मेरी बेटी मुझे तुरंत ऐसे चश्मा लाती है, फोन के और मेरी आंख के बीच में रख देती है, चश्मा है ना, तो इसको लगाना है। और जब भी आप कभी भी फोन और लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, और वो सेफ डिस्टेंस है 1.5 फीट। अब 1.5 फीट मतलब लगभग कितना, यानी वन आपके हाफ ऑफ द हैंड डिस्टेंस होना चाहिए, हाफ ऑफ द हैंड मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ये लैपटॉप की है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा लाइट सोर्स यूज किया जाता है, राइट। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप बैठे हैं तो भी वो एकदम आपके आईज के पैरेलल नहीं होना चाहिए, मींस ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है डेस्कटॉप और लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो टिल्टेबल होती है, यानी ऐसे हो जाती है, थोड़ा ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो सीधे बैठना है, एकदम सीधे, कीप योर बैक स्ट्रेट। अब लैपटॉप ऐसे है तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है आपको। लैपटॉप की स्क्रीन का रेडिएशन ऊपर की तरफ है और आप अपना काम कर रहे हैं, और कभी भी ऐसा एकदम फ्रंट में नहीं होना चाहिए और हाफ ऑफ द हैंड की डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए और टिल्टेड होना चाहिए, थोड़ा टिल्टेड, ठीक है। मोबाइल फोन कभी भी, मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, एक लेट के, एक दूसरा